हाय एवरीवन मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ ओ टू आई एस अकेडमी तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में दैट इज़ डेली रिविजन एंड वर्क जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो हैं प्री बेस देख रहे हैं साथ साथ में मैं आपको मेन से ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है वो भी बताती चाहूँगी राइट right? तो इससे पहले हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स किए देन आपके हमने पीपल एंड प्लेसेस आर्ट एंड कल्चर जो भी आपके टेंपल्स फेयर्स न्यूज़ में रहे हैं उसको कवर किया आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हिमाचल प्रदेश जाना जाता है नई नई चीज़ें करने के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशनरी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है चाहे वो आपकी नौनी की आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो या फिर पालमपुर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तो इसकी वजह से बहुत सारे इस तरीके के काम किए जाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं साथ साथ में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से कोर्स बना है एच पी टेस्ट सीरीज़ उसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर है जहां से आप सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आपके बाद में पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सो तो जो भी आपको बेनिफिशियल लगे आपकी प्रिपरेशन के लिए उसको आप जो है वहाँ पर चेक कर सकते हैं सो so, आगे किसी भी न्यूज़ में जंप करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहती हूँ जैसे कि हम बात करते हैं कि हम न्यूज़ देखेंगे आगे कैमोमील लेमन ग्रास हम लोग बहुत कुछ उगाना चाहते हैं लेकिन ये किस तरीके से पॉसिबल है तो सबसे पहली चीज़ आती है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यानी कि हिमाचल में अलग अलग तरीके के क्लाइमेट जो हैं वो पाए जाते हैं तो हम हिमाचल को चार मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में यहाँ पर बांटते हैं सबसे नीचे वाले जिनको हम शिवालिक हिल्स के नाम से जानते हैं यहाँ पर हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है यानी कि ह्यूमिड ज़्यादा होता है टेम्परेचर हाई रहता है नेक्स्ट कम्स आपका मिड हिल्स पार्ट्स ऑफ मंडी सोलन सिरमौर कांगड़ा और चंबा इसमें हम देखते हैं तो इसमें क्या है इसमें हमें ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है वेरी फर्टाइल एरिया एंड अगेन बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स यहाँ पर उगाई जाती हैं जो पानी ज़्यादा चाहती हैं स्पेशली वो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है फिर आगे आपका हाई हिल्स जिनको हम टेम्परेट ड्राई भी कहते हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं आपके एप्पल की वैराइटीज हमें देखने को मिलती हैं एंड देन वी टॉक अबाउट आपके जो नट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट कम द लास्ट वन जो है आपका दैट इज़ टेम्परेट ड्राई थोड़ा ड्राई है कोल्ड डेजर्ट में आता है पोटैटो हो गए आपके वॉलट्स नट्स एंड देन अगेन नॉर्म में तो हमें वेराइटी ऑफ एप्पल्स भी देखने को मिलते हैं सिंस वहाँ पर टेम्परेचर एज वी आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है ऑल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज कर रहा है अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर चंबा को देखते हैं ये है आपका चंबा चंबा में हमें चारों के चारों क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं इट गेट्स दी एडवांटेज के ये जो है इसको फुल्ली यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी आने वाली जो न्यूज़ है इसमें यही बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से इतने सारे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं रिवर्स हैं पानी की कमी नहीं है इस सारी चीज़ों को हम लोग कैसे कैश इन कर सकते हैं और क्या क्या नई इसमें जो रेवोल्यूशन है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ला सकते हैं तो सबसे पहली जो आपकी न्यूज़ है दैट इज़ ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन प्रोजेक्ट ऊना में लॉन्च किया गया अभी आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि ड्रैगन फ्रूट ऊना देन आगे हम देखते जाएंगे स्क्वाड करते जाएंगे सैंडलवुड सिनेमन और ऐसे ऐसे करते ठीक है जी तो सबसे पहले जो आपका हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको मनरेगा के अंतर्गत लिया यानी कि जितनी भी विमेन हैं फार्मर्स हैं वो यहाँ पर जो मिनिमम वेज हम लोग यहाँ पर देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेज आपके जो रोज़गार है वो आपको गारंटी uh, जिसकी दी जाती है वो यहाँ पर जो आपके ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन है उसमें दिया जाएगा तो इसमें ऑब्वियसली जो आपकी फार्म इनकम है वो इंक्रीज़ होगी आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अपना योगदान देके अपने फार्म्स लगा के अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं तो इनफैक्ट हम देखते हैं कि ये जो आपके हैं मुश्ताक इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया और बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट्स लगाए और बाद में जाके अगेन इनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आए जहां पे इन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट्स के कितने फायदे हैं तो अब अगेन बात करते हैं कि ये ऊना में प्री फैक्ट हो गया ऊना में इसको हम लोग उगा रहे हैं देन वी टॉक अबाउट कि किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन इसको चाहिए तो ये आपको जगह से अगर आपको वही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पता है तो जगह से आपको पता चल जाएगा इसमें अगेन ज़्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा आपका जो हम कहते हैं कोल्ड uh, दोनों ही क्लाइमेट्स यहाँ पर नहीं चाहिए ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री टू मच सनलाइट इज नॉट इवन गुड फॉर कल्टिवेशन एंड जो है हम क्या देखते हैं सैंडी सॉइल होनी चाहिए लोमी टू क्ले लोम यानी कि हमें जो ऊना जो हमारे शिवालिक्स हैं जो हम सब ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं दैट इज़ द परफेक्ट टू अगेन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट अभी क्या है ये आपका बड़ा ऑर्नामेंटल फ्रूट है सब खाते नहीं हैं लेकिन लाइक uh, like बिकता बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा आपके बूस्ट करेगा फार्मर्स की इनकम को यहाँ पर कुछ जेनेरिक पॉइंट्स हैं जो जितनी भी कल्टीवेशन हम लोग करेंगे कि उसका एक जो मेन आइडिया है कि हमें क्या करना है फार्मर्स को की जो इनकम uh, है उसको बूस्ट करना है डाइवर्सीफाई करना है अपने एग्रीकल्चर uh, को और अपने हॉर्टिकल्चर को ताकि एक साइड बाय साइड इनकम वो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ हैं पूरा सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो साथ में रिलाय करने के लिए कोई और भी चीज़ हो उसके अलावा ऑब्वियसली uh, एडवांसमेंट तो है ही है क्योंकि हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो नो डाउट ऑल ओवर कंट्री जो है वो सराहना दी जाती है ठीक है जैसे ये वाली आप न्यूज़ देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन द ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी अब यहाँ पर की है की है ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन इसका मतलब ये है कि जो कल्टीवेशन है दालचीनी को वो की जाती है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो उसी को प्रमोट करने के लिए पाँच डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग ऊना ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर शुरू किया गया है या जाएगा जो सेप्लिंग्स हैं वो दे दिए गए थे अगेन सिनेमन को भी उगने में वक्त लगता है ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो सिनेमन जो है दालचीनी बहुत सारे स्पाइसिस में यूज स्पाइस है और बहुत सारी डिशेज में यूज़ की जाती है इंडियन हाउस में काफ़ी कॉमन है है ना तो हम लोग उसको बहुत एक बड़ा अमाउंट जो है इंपोर्ट करते हैं श्रीलंका चाइना इंडोनेशिया वियतनाम और नेपाल से सो लाइक दे बी स्टेप्स एट अ टाइम तो अभी हम सिर्फ इसकी कल्टिवेशन शुरू करेंगे आने वाले टाइम में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है तो पांच कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना कांगड़ा बिलासपुर सिरमौर और हमीरपुर ये पहले पोटेंशियल एरियाज थे उसके बाद में नेक्स्ट हमने पाँच महीने के बाद में न्यूज़ क्या देखी कि बरनो में ये जो है शुरू की गई ऊना में आपके सिनेमन की कल्टीवेशन जो है शुरू कर दी गई अगेन फार्मर्स की हम लोग इसमें बात करते हैं और इसकी जो नोडल एजेंसी है दैट इज एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एक और चीज़ इसके बारे में कि कहाँ उगा रहे हैं अगेन ऊना में किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए होगा अबाउट ट्वेंटी सेवन डिग्री ह्यूमिड लो आल्टीट्यूड में ज़्यादा यहाँ पर ये करता है एंड अगेन दालचीनी जो है वो बेसिकली एक पेड़ की छाल है वहाँ से इसको निकाला जाता है तो इस तरीके से आपका ऊना में ऊना में कांगड़ा में और जो आपके अगेन हमें देखने को मिलते हैं बिलासपुर सिरमौर हमीरपुर यहाँ पर हम लोग सिनेमन उगाना चाहते हैं और उगाएंगे नेक्स्ट हमारा आ गया कैमोमील टी कैमोमील फार्मिंग जो है धर्मशाला में पिक करेगी अगेन इसमें भी आपका मनरेगा क्योंकि Uh, जैसे नए फार्मर्स हैं नए इन देंस जैसे फार्मर्स हैं उनको आप अचानक से कुछ नया दे दोगे कि आप ऐसा करो कैमोमील उगाओ तो ऐसा नहीं होगा उनकी उनका उसमें इनपुट जाएगा आउटपुट निकलेगा कि नहीं वो अनसर्टेन है आगे मार्केट है कि नहीं है सो so, इसके लिए स्टार्टिंग जो है वो आपकी गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है तो यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत काम तो करवाया ही जाता है इसकी तो फिर अगर फार्मिंग एग्रीकल्चर को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए अदर देन कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो इट हेल्प्स तो इसी के लिए कैमोमील फार्मिंग जो है वो धर्मशाला में शुरू की गई अभी कैमोमील जो है ये आपका कैमोमील फ्लार है इसकी टी बनती है और तीन महीने लगते हैं इसकी फ्लारिंग स्टेज में तो उसके लिए यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया जा रहा है जो आपकी विमेन हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्पेशली उनको इन, जो है इसमें इंक्लूड किया जा रहा है अगेन अगर हम बात करें कि किस तरीके का टेम्परेचर इसको चाहिए धर्मशाला में हम लोग उगा रहे हैं यानी कि मिड हिल्स में आता है तो मॉडरेट कूल वेदर है वेल ड्रेन मॉइस्ट है जो आपकी सॉइल है वो हैवी लाइक रिच सॉयल होनी चाहिए और मॉइस्ट बेसिकली यहाँ पर मेन जो है वो पानी के ऊपर मॉइस्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए क्लाइमेट में मॉइस्चर होना चाहिए तो वो हमें सिर्फ हिमाचल में मिड हिल्स में देखने को मिलता है तो टी कहाँ पर उगा रहे हैं कैमोमील उगा रहे हैं धर्मशाला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश की पहली मंडी फ्लार मंडी फूलों की मंडी जो है वो परमाणु में खोली गई अभी अगर आप कभी भी चंडीगढ़ आएंगे तो ये आपको साफ साफ है वहाँ से रास्ते में जाती हुई दिखती है वो सामने है ना तो अभी क्या है ये तो हमने पहली यहाँ पर बनाई है बजट में और हमने इकोनॉमिक सर्वे में बात की कि दो तीन और खोलेंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है के फूलों को एक्सप्लोर करना है जो फ्लारी कल्चर है वो एक अच्छा क्या है हम कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इसका बहुत सारा पोटेंशियल है अब मैंने वही चार हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनमें अलग अलग फ्लार्स की कल्टीवेशन की जा सकती हैं जिसको प्रमोट करने के लिए मंडी खोली गई है क्योंकि अगेन अगर कोई प्रोडक्शन करता भी है तो कहाँ बेचना है कैसे बेचना है उसके लिए ये जो ए है ये यहाँ पर सेट किया गया सोलन सिरमौर शिमला और मंडी यहाँ से आने वाले जो भी फूलों को बेचना चाहते हैं अगेन जब मैं फूल कहती हूँ ये बहुत तरीके से बिकते हैं ये लूज़ फ्लावर्स भी बिकते हैं ये इनकी जो कलमे हैं स्टेम है वो भी बिकती है इनके सीड्स भी बिकते हैं इनका जो पॉट में एज इन अ फ्लावर पॉट जो है उसको वैसे प्लांट के तौर पे भी बेचा जाता है, है बाद में अगर इसको प्रोसेस करके परफ्यूम्स बनाने हो सो एवरीथिंग दे आर वेरी इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है जी तो फ्लारी कल्चर को हमें एक्सप्लोर करना है आने वाले टाइम में इसको किया जाएगा और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा कि पहले तो फार्मर्स को इसी तरीके से प्रमोट करके और बाद में क्या किया जाएगा ये जैसे फ्लार मंडी खोली गई है इसको थोड़ा सा रेगुलेट यहाँ पर किया जाए आई डोंट थिंक अभी इसको ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे नई बनी है लेकिन आने वाले टाइम में जब भी फ्लारी कल्चर थोड़ा फ्लरिश करेगा तो किया जाएगा नेक्स्ट आ गया हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक कुठलेड़ के फार्मर्स को यहाँ पर क्या कर रहा है फंड uh, कर रहा है एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एच पी सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरीगेशन वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम तो बहुत बड़ा है नाम में क्या दिखा हमें सब ट्रॉपिकल यानी कि हम लोग जो हैं सब ट्रॉप अपना जो लास्ट शिवालिक हिल्स मैंने आपको बताए थे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं आपका उन्ना, हमीरपुर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा पार्ट्स ऑफ मंडी पार्ट्स ऑफ सोलन ये सारे के सारे तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं जो जिनको बूस्ट किया जा सकता है जिनकी प्लांटेशन को जैसे हम जब ऊपर जाते जाते हैं कि नॉर्थ शिमला वाले साइड पे तो एप्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है है ना कि एप्पल के ऑर्चिड्स हैं उसी तरीके से लोअर एरिया में आपके ऑरेंज है लीची पोमग्रिनेट या इन के इस तरीके के बगीचे बनाने की इसमें बात की गई इसी के लिए इसको फंड किया गया है तो ये आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ये आपके थोड़े हॉट एरियाज में ही लगते हैं जहाँ पर ह्यूमिड हो थोड़ा सा टेम्परेचर और टेम्परेचर हाई हो तो इसी के लिए यहाँ पर ये सिट्रस फ्रूट्स हम अपने लोअर रीजन में यहाँ पर उगा सकते हैं कुठलेड़ कहाँ पर है तो कुठलेड़ अभी ऊना में आता है और ये आपके जब कांगड़ा हिल्स हुआ करते थे उसकी सबसे छोटी ऑफ शूट थी कुठलेड़ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा हर्ब फार्मिंग इन हिमाचल हाई होप्स तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक प्लांट्स की और मेडिसिनल प्लांट्स की हमने अपने जितना भी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए हमने उसको मैनेज करने के लिए एक रिपोजिटरी बनाई कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के प्लांट्स जो हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं अब हम क्या है इनकी कल्टीवेशन प्रॉपर शुरू करना चाहते हैं सिंस हिमालयन में हमारे पास अगेन क्लाइमेट जो है बात करते हैं वो है तो सबसे पहले आ गया हींग की खेती हींग जो है हम सारा इंपोर्ट करते हैं अगेन हम लोग उगाया नहीं जाता उसी को आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर सी कहता है कि लाहौल स्पीति में शुरू किया जाए क्योंकि मैक्सिमम हम कहाँ से 90 टू 95 परसेंट अफगानिस्तान से इसको इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर बहुत ही ड्राई टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पर हींग की खेती की जाती है तो हमारे पास में वो भी है वो है लाहौल स्पीति तो वहाँ पर हींग की खेती की गई फिर बात करते हैं सैफरिन केसर तो केसर भी बहुत जगह यूज़ होता है उसके लिए ट्वेंटी फाइव लोकेशन देखे गए किन्नौर मंडी चंबा कांगड़ा कुल्लू और लाहौल स्पीति में अगेन कौन सा ये एरिया आ रहा है दिस इज़ दी द टेम्परेट ड्राई एरिया जहाँ पे हमें टेम्परेचर कम ऑल्टीट्यूड हाई देखने को मिलता है तो वहाँ पर सैफरिन की खेती भी जो है प्रमोट की जा रही है अगेन ये थोड़े छोटे छोटे लेवल पे किया जाता है जैसे फार्मर्स को कुछ सैपलिंग्स कुछ प्लांट्स दे दिए वो कुछ कुछ जो है वहाँ पर लगा लेंगे फिर थोड़े टाइम के बाद अगर उनको रिजल्ट दिखेगा वो उसके ऊपर और काम करेंगे ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी अपनी जो वो कर रहे थे उसको छोड़ के अचानक से केसर लगा देंगे है ना तो इसके लिए धीरे धीरे बेबी स्टेप्स फिर सिनेमन की तो मैंने आपको बात बताई थी कि दालचीनी हम लोग जो है नीचे अपने सब ट्रॉपिकल एरिया में उगा रहे हैं फिर आते हैं आपके एरोमेटिक क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जिनमें से अरोमा आता है सी का या आपका अरोमा मिशन इसको हम कहते हैं बहुत सारा पोटेंशियल हिमाचल रखता है जैसे आपका मैरी गोल्ड है केमोमील इंडियन विलेरियन लैवेंडर रोज मैरी लेमन ग्रास पल मरोजा सो आने वाले टाइम में काम भी किया जाएगा थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने आपको केमोमील बताया अभी लेमन ग्रास देखेंगे सो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इनकी खेती की जाएगी एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिन हर्ब्स राइट right? नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस ये आपका थोड़ा सा मेंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ हमने अभी प्री फैक्ट देखे लिस्ट देखी क्या क्या उगाने वाले हैं इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस हैं तो सबसे पहला वही जो लैक ऑफ रिटर्न अभी जो अनसर्टेनिटी है कि अगर हमने उगा दिए तो उसके बाद में बिकेगा नहीं बिकेगा फॉर्मर है कि नहीं है फिर ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स बाय मंकीज एंड वाइल्ड बोर्स अगर आपका मक्की उगाई है आपने वो उसका नुकसान कम होगा लेकिन अगर आप जो हैं कुछ महंगा कुछ आ, जैसे हींग का एक प्लांट खरीद रहे हो और उसको लगा रहे हो अगर वो जो है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन उसमें होता है तो आपका लॉस जो है ज़्यादा है है ना सो so ये आपके चैलेंजेस हैं फिर आता है लैक ऑफ मार्केटिंग एवन्यू सप्लाई चेन प्रॉब्लम क्योंकि अभी हींग जब पहली पहली बार उगाया जाएगा तो कैसे इसको मैनेज करना है वो सारी की सारी चीज़ें लैक ऑफ गुड मार्केट रेट ये तो आ जाएगा वैसे लेकिन धीरे धीरे अगेन सेवरल फार्मर्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि अगर हमें ढंग का मार्केट रेट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे फिर देखते हैं हम लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स ये तो मैं वो बात कर रही हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट सी एस आई आर है आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अगर सीड्स या सैपलिंग्स देते हैं उनकी क्वालिटी तो री अशोर्ड है लेकिन अगर फार्मर खुद उगाना चाहता है तो लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स हमें देखने को मिलता है अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर लीगल इंप्लीकेशन हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो बेसिक आपके एग्रीकल्चर के चैलेंजेस हैं वही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फिर पूछा जा सकता है कि चैलेंजेस तो हो गए लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड अगर हमें इसमें आगे जाना है बढ़ना है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में विथ दिस डाइवर्सिफिकेशन तो क्या इसका वे फॉरवर्ड रहेगा तो जो चैलेंजेस थे उनका उल्टा हो जाएगा यानि के तो सबसे पहला फार्मर को अवेयर होना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में मार्केटिंग के बारे में टेक्निकल नो हाव के बारे में किस किस तरीके से जो है अगर हम हींग की बात करते हैं स्पेशल केयर करनी है या फिर कैमोमील है ड्रैगन फ्रूट है थोड़ा ध्यान जो है डिफरेंट रखना पड़ेगा उसके लिए फार्मर को अवेयर होना ज़रूरी है फिर आ गया इनके लिए स्पेसिफिक मार्केट में एक प्राइस जो है वो देना पड़ेगा अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी देन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतना प्रॉफिट साथ में नहीं कमा सकते जितना कोऑपरेटिव कमा सकते हैं या फिर फार्मर्स जो हैं वो साथ में आकर आते हैं और फिर क्या करते हैं खेती ये करते हैं देन वी टॉक अबाउट ई कमर्स प्लेटफॉर्म्स यानी कि यानी कि ऑनलाइन जो चीज़ें बेचते हैं क्योंकि ये स्टार्ट तो करना पड़ेगा एक बार तो ये जो है उनको टेक्निकल एज देगा यहाँ पर उनकी मार्केट को भी थोड़ा सा बूस्ट यहाँ पर देगा देन अगेन दे शुड बी अवेयर अबाउट देर राइट देट द लीगल आस्पेक्ट्स की किस तरीके से जो है इसको उगाया जाएगा राइट अगेन गवर्नमेंट का वेट नहीं करना है कि गवर्नमेंट आगे आकर अप्रोच करे इट्स बेटर के uh, क्या हो आपके जो फार्मर्स हैं वो भी उन तक जाए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लेकिन अगर नहीं होता है तो ऑबियसली गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा इसी के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशियटिव हैं ये अक्सर एच पी पी एस सी पूछता है यूजली यही पूछा जाता है गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में क्या किया गवर्नमेंट ने उस सेक्टर में क्या किया और क्या क्या किया जा सकता है ठीक है तो इसमें क्या हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जैसे हर्बल गार्डन्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं ये जो मैंने आपको इतनी सारी खेती बताई इसमें मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर वो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिफरें यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर चलाए जा रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो नेशनल लेवल पे भी ली जा रही है एंड अगेन जो है आपका स्टेट है वो तो प्रोवाइड कर ही रहा है अभी हमने एक और चीज़ देखी कि रूरल जॉब गारंटी स्कीम ये मैंने आपको रूरल बताया जो अर्बन जॉब गारंटी स्कीम है वहाँ पर भी इसको अभी कुछ एक महीना पहले शुरू किया गया है यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर साथ में आए कोऑपरेटिव बनाए क्लस्टर बनाए हम उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हम प्रोवाइड करें जो उनको अगेन uh, अवेयरनेस है वो भी हम लोग दें और वो आगे आकर बढ़ के इसका फ़ायदा उठाएं जो हमारे पास में चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन है आने वाले टाइम में क्या होगा असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी और इनकी जो इनकम है वो ग्रो करना शुरू करेगी ये बात थी तो नेक्स्ट न्यूज़ भी देख लेते हैं नेक्स्ट में हिमाचल टू वेंचर ओक एंड एरी सिल्क कल्टीवेशन अभी सिल्क के कुछ टाइप्स रहते हैं जिसमें से आपका ओक तो सार है एंड एरी सिल्क है तो इनके लिए अभी हिमाचल प्रदेश ने हामी भरी कि इसको भी हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं डिफरेंस क्या रहता है डिफरेंस जो है अगेन आपका जो सिल्क वर्म है उसकी क्वालिटी पे है Uh, और ये दीज़ आर द बेटर क्वालिटीज़ यानी कि अगर ये एरी सिल्क है ओक सिल्क है इसको पशमीना या वूल के साथ में यहाँ पर ब्लेंड किया जाए तो ये बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी ऑफ यहाँ पर uh, जो फैब्रिक है वो बनाता है और हिमाचल हैंडीक्राफ्ट जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसका प्राइस बढ़ाने के लिए इसे क्या फ़ायदा होगा फ़ायदा ये होगा कि जो सिल्क है वो हिमाचल हिमाचल मेड है तो हिमाचल में हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका प्राइस जो आपके हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हैं लोग उसके अलावा जो भी छोटे इंटरप्राइज़ेज़ हैं उनको कम प्राइस में मिलेगा लेकिन वो बाद में अपने सिंस क्वालिटी अच्छी होगी तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ा कर यहाँ पर बेच सकते हैं फिर आती है बात कि कहाँ कहाँ इसका पोटेंशियल है एरी कल्चर हम जो एरी सिल्क वर्म्स हैं उस वो हमें बिलासपुर सोलन कांगड़ा और ऊना अगेन वी गो टू द ह्यूमिड एरियाज़ ह्यूमिड एंड लाइक हॉट एरियाज़ वहाँ पर हमें एरी सिल्क का कल्टिवेशन पोटेंशियल दिखता है उसके अलावा ओक सिल्क की जो हम बात करते हैं वो शिमला मंडी एंड कुंडू कु, uh, कुल्लू का जो बंजार एरिया है वहाँ पर हमें इसका पोटेंशियल देखने को मिलता है राइट right? नेक्स्ट कम्स सैंडलवुड फार्मिंग तो सैंडलवुड फार्मिंग भी हम करना चाहते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बड़ी सी लिस्ट है जहाँ पर हिमाचल आगे कौन कर, कर रहा है स्पेशली uh, एग्रीकल्चर में तो उस लिस्ट में सैंडलवुड को भी हम जोड़ देंगे तो so, जोगंद्रा नगर में मंडी में आपका जोगंद्रा नगर है वहाँ पर एक रीजनल कम फैसिलिटी सेंटर है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो वो क्या है वो यहाँ पर सैंडलवुड प्लांटेशन का पोटेंशियल एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं अभी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अगेन इकोनॉमिक है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है साउथ में तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं चंदन की खेती लेकिन अभी हिमाचल में कुछ एरियाज में की जा सकती है तो उसको एक्सप्लोर किया जाएगा आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोग स्टार्ट भी करें अभी रिसर्च वर्क चल रहा है और अगर हम बात करें तो जैसे सैंडलवुड uh, का ऑयल है तो वो बहुत महंगा बिकता है लेकिन उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है पंद्रह साल का गैप रहता है उस प्लांट के बीच में जब उसका ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं सो so, यही वाला जो रिसर्च है टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है यही वाले एस्पेक्ट को कम करता है जैसे मैंने लास्ट वीक दैट इज़ आपका जुलाई सेकेंड वीक में आपको एक न्यूज़ बताई थी कि मंडी में कुछ आपके इस तरीके के प्लांट्स दिए गए गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ही जो जैसे आपका हम देखते हैं हरड़ है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है उगने के लिए लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दिए जिससे वो टाइम स्पैन जो है वो कम हो जाएगा तो इसी के बेसिस पे ये रिसर्च की जा रही है कि इस तरीके से कुछ इसका फ़ायदा उठाया जाए और इसको हिमाचल के अकॉर्डिंग यूज़ यहाँ पर किया जाए कल्टिवेशन किया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है परफ्यूमरी में यूज़ किया जाता है रिलीजियस रिचुअल में हम लोग इतवार सुनते हैं एंटी एजेंट भी है देन वी टॉक अबाउट मेमोरी बूस्टर भी इसका जो असेंशियल ऑयल है वो यहाँ पर ऐसे काम करता है तो अगेन साउथ में इसको गाया जाता है नाव वी आर ट्राइंग के हिमाचल में भी हम लोग इसकी कल्टिवेशन करें नेक्स्ट आ गया हमारा एप्पल तो ये न्यूज़ ज़्यादा नहीं है इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है प्रोडक्शन ऊपर नीचे चलता रहता है लेकिन यहाँ पे माई मेन आइडिया इज एप्पल के बारे में बताना क्योंकि एप्पल हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है हिमाचल में जितनी टोटल फ्रूट प्रोडक्शन होती है और फ्रूट जो एरिया है हिमाचल में कवर्ड उसका फोर्टी एरिया एप्पल कवर करता है और जितनी टोटल आपकी फ्रूट प्रोडक्शन है उसका 85% एप्पल है तो इससे क्या पता चलता है कि एप्पल प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर इकॉनमी तो उसके न्यूज़ जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आती रहती हैं अब एप्पल की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल में ऐसा नहीं है सिर्फ हमें आ, अपर रीजन टेम्परेट ड्राई में टेम्परेट वेट में देखने को मिलता है जब हम पूरे हिमाचल में एप्पल होता है ऑलमोस्ट हर जगह एप्पल होता है लेकिन द क्वालिटी ऑफ एप्पल उसका जो है यहाँ पर फ़र्क होता है ठीक है इसके मैं बेसिक्स आपको बताती हूँ जो इसी न्यूज़ से रिलेट करते हैं के थोड़ा कम हो गया प्रोडक्शन हिमाचल में जो एप्पल है एप्पल छोड़िए सबसे पहले जब हिमाचल में हम लोग क्या करते हैं आपका जाते हैं साउथ टू नॉर्थ तो टेम्परेचर करता है डिक्रीज और ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करती है तो ऐसे में जो आपका हम ये चार जोन देखते हैं इसमें एप्पल का साइज़ जो है ऊपर को इंक्रीज करता जाता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका जो टेम्परेचर से क्या नाता है उसको चाहिए होते हैं सर्टेन नंबर ऑफ चिलिंग आर्स चिलिंग आर्स का मतलब होता है कि सात डिग्री से टेम्परेचर कम होना चाहिए तो ये घंटे के हिसाब से देखा जाता है जैसे 150 से 1500 के बीच में अगर प्रॉपर वेराइटी ऑफ एप्पल चाहिए आपको तो 150 से 1500 के बीच में चिलिंग आर्स होने चाहिए आर्स यानी कि इतने जैसे आपके हजार घंटे हैं जो चिलिंग आर्स के मिले हैं तो फिर क्या होगा देर विल बी गुड क्वालिटी ऑफ वो आ गई आपकी रॉयल डिलिशियस एप्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सो so, इसी तरीके से जो टेम्परेचर है तो हमें किन्नौर के एप्पल जो होते हैं वो यूजली ज्यादा बड़े होते हैं अभी एप्पल की प्रोडक्शन बहुत चीज़ों से मैटर करती है अफेक्ट करती है जैसे कि अगेन हम बात करते हैं हेल स्ट्रॉम्स बहुत सारे कभी कभी हो जाते हैं जो बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं उनके बेसिस के ऊपर लेकिन ये छोटे फैक्टर हैं जो बड़ा है वो आपका क्या रहता है क्लाइमेट अगेन कि अगर जैसे इस बार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हुई अभी अभी क्या चल रहा है जून जुलाई जो है डॉर्मेंसी पीरियड होता है एप्पल के लिए क्योंकि अभी जो है ज़्यादा टेम्परेचर हाई जो हैं हो रहे हैं अगर अगर सर्दियों में इतनी ठंड नहीं पड़ती है तो जो एप्पल है उसका साइज छोटा ही रहेगा सो दैट इज़ इट इसके कुछ चैलेंजेस हैं जैसे पुअर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अनऑर्गेनाइज्ड हैं प्रॉपर जो स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोर्स हैं वो नहीं बनाए गए हैं फार्मर्स को बड़े दूर दूर जाना पड़ता है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पर उनसे बात करनी पड़ती है अपना एप्पल बेचने के लिए और फिर भी हो सकता है कि उनको प्रॉपर प्राइस ना मिले सो so, इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए हैं बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी वही है और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जा सो दैट इज़ इट फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिक द बेल आइकन सो दैट फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें थैंक यू फॉर वॉचिंग